ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया नवीन मार्ग जो कि सोनी कॉलोनी एवं चौधरी कॉलोनी को जोड़ते हुए बूढ़े बालाजी मंदिर टेकरी मंदिर को जोड़ता है। इस मार्ग का नामकरण पूर्व में किसी देवता या महापुरुष के नाम से नामकरण नहीं किया। नगर पालिका परिषद द्वारा गुना द्वारा विधिवत दिनांक 6 अगस्त 2019 को PIC से संकल्पित पारित कर इस मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री सागर सिंह सिसोदिया जी के नाम पर किया गया है, जिसका विधिवत लोकार्पण दिनांक 1 मार्च 2021 को किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बताया गया, पूर्व में उक्त मार्ग के नामकरण संबंधित कोई भी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख नहीं आया। उल्लेखनीय, सोशल मीडिया द्वारा उक्त मार्ग के संबंध में तथ्य प्रकाशित हो रहा है। उक्त मार्ग देवी अहिल्याबाई के नाम से था को हटाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागर सिंह सिसोदिया के नाम कर दिया गया है। यह सत्य एवं भ्रामक है। पूर्व में ऐसा कोई नामकरण संबंधित प्रस्ताव नगर पालिका परिषद गुना के समक्ष नहीं आया। जब भी कोई प्रस्ताव नगर पालिका परिषद के समक्ष आएंगे तो उन पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सागर सिंह सिसोदिया जिले के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस आशय की पट्टिका जिला जेल में आज भी लगी हुई है। सर्वप्रथम तो आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का आज जन्मदिन है। मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी गरीबों की सेवा इसी तरह तत्परता से करते रहें और सुखमय जीवन और लंबा जीवन उनका रहे और प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। हिंदुस्तान की प्राचीनतम संस्था 1911 की संस्था जब गुलाम भारत था, मैं चौथी बार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझसे पहले पदम सिंह डॉक्टर श्याम सिंह शशि इसके अध्यक्ष थे और ये राष्ट्रीय स्तर पर देवी अहिल्याबाई होलकर की आदर्शों से प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा सामूहिक विवाह करने वाली लगातार 40 वर्षों से 35,000 से ज़्यादा शादियाँ निःशुल्क और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लगातार, और यही है काम में जुट जाएंगे। हम लोगों की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले भोपाल में आज से अनेकों साल पहले देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा शाहपुरा चौराहे पर, उसी लिए तो आज ये पत्रकार वार्ता हो रही है। जिनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के अंदर, बिना तथ्यों को जानकर, बिना कलेक्टर, बिना CMO, बिना नगर पालिका परिषद को जाने कुछ चंद लोगों ने सोशल मीडिया पे उसको उछाला और वो तूल पकड़ गया और इसीलिए आज सब लोग इकट्ठे हुआ है। जो पाल बघेल समाज के आदरणीय शैतान सिंह जी ने जो बात रखी है, मैं मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर के पाल बघेल समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिंधिया परिवार से आप लोगों का आज का नहीं पीढ़ियों का संबंध रहा है और मेरा भी आप सबसे बहुत प्रेम का रिश्ता है। आपकी मंशा नहीं, ये हमारी मंशा है कि अहिल्याबाई जी का चौराया जहाँ था वहीं रहेगा और बहुत सुंदर मूर्ति उस पर स्थापित की जाएगी। मैं गुना जाते ही नगर पालिका में, नगर पालिका परिषद से इसको मैं अनुमोदित कराऊंगा। देवी अहिल्याबाई होलकर हमारा है। देवी अहिल्याबाई के चरणों में नमन। आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमेशा मदद करते हैं। आदरणीय महोदय, पत्रकार महोदय, मैंने जो जमीन दी है वो मैंने किसी के नाम के लिए जमीन नहीं दी। हमने उनका कोई नामकरण नहीं हुआ था, वह हमने केवल जमीन दान में दी थी रोड के लिए और वहाँ पे लोक माता देवी आई अहिल्याबाई होलकर चौराहे के लिए मांग रखी थी। वो राधे लाल जी बघेल भी हैं, इनने घोषणा की थी। यथावत वहाँ चौराहे का बोर्ड लगा है, यथावत चौराहा है और माननीय मंत्री जी और महाराज साहब को गुमराह किया गया चंद लोगों ने। इनमें महाराज साहब की कोई गलती नहीं है, मंत्री जी की कोई गलती नहीं, उनको कोई पता नहीं है। ये गुना के राजनीतिक चंद्र नेता जो राजेंद्र सिंह सलूजा हैं, उनने ये चाल चल गई हमारे महाराज को, हमारे मंत्री जी को बदनाम किया। मैं ये बात कहता हूँ, रोड का नामकरण नहीं था, उसका विधिवत नामकरण हुआ है। वो रोड दादाजी के नाम पर रहेगी और महाराज साहब ने, मंत्री जी ने घोषणा कर दी है वहाँ पर देवी लोक माता अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाई जाएगी और वो लोक माता अहिल्याबाई का चौराहा बना रहेगा। बढ़िया।